नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। आज एक खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। बहाली पर तो हम लगातार बात करते हैं और आपके लिए संघर्ष की लड़ाई दिलीप लड़ भी रहे हैं और हम लोग भी आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन आज बात है बिहार के करप्ट एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम देखें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ भ्रष्ट। किनसे उम्मीद करें, सरकारी तंत्र भ्रष्ट और शिक्षा के मंदिर में बैठे लोग भ्रष्ट। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद को कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने कितना बड़ा कांड किया, कैसे खेल करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैसे किस काम में लगने चाहिए थे और कैसे आप 30-30 करोड़ रुपए तक का घोटाला करने में पीछे नहीं हटते हैं। आखिर एक शिक्षा के मंदिर में आप इतने बड़े शिक्षक प्रोफेसर और आप इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ, क्योंकि हम आज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं दिलीप जी, तो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बात यूनिवर्सिटी के चांसलर से वाइस चांसलर तक आएगी। कल ही प्रोफेसर एसपी सिंह को अवार्ड दिया गया है। उन पर आरोप लगा कि अरबी फारसी जो विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने टेंडर का स्कैम किया था, घोटाला किया था। उनको बेस्ट वीसी का अवार्ड पड़ा है, बेस्ट वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह, और ये तीन तीन यूनिवर्सिटी के की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के भी, जो हम अपने वेबसाइट पर हमने सबका जो है डिटेल निकाल लिया है, वो हमारे दर्शक भी आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर और उनका जो नीचे में डिटेल है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के भी वो वीसी हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी वीसी हैं, और साथ ही से जो पाटलिपुत्रा तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है उसके भी वीसी हैं, और तीसरा जो मैं बता रहा था आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी यूनिवर्सिटी है, इन सब में यूनिवर्सिटी हैं, वीसी हैं इस यूनिवर्सिटी के, और इनको बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलता है। घपलेबाज है, क्या कहेंगे आप? इसीलिए शायद बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला है कि ज़्यादा पैसा पहुँचाए होंगे ऊपर तक, इसीलिए इनको बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला है। और सबसे पहले बात तो कि वीसी की नियुक्ति कौन करता है और कैसे होती है, कैसी होती है? बगैर पैसा के वीसी की नियुक्ति ही नहीं होती है। वीसी का पद ही है पैसा वाला पद। बिहार में मैं बात करूं तो वीसी की नियुक्ति ही होती है 1.5 से 2 करोड़ रुपया लेके, बगैर पैसे की नियुक्ति, योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो कह रही है। और बताइए कि क्या वजह है कि बिहार के 99% वीसी यूपी के ही है। बिहार में कोई वीसी बनने के लायक नहीं है क्या? सही बात है। आखिर यूपी के लोग ही वीसी क्यों बन रहे हैं भाई बिहार में? तो एक इसमें जरा सवाल जोड़ दिया जाए, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करें इसी मुद्दे पर। एक वीडियो क्लिप आप लोग देख लीजिएगा कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक गंभीर आरोप बिहार के अभी के राज्यपाल पर लगाया है, और राज्यपाल फागू चौहान को जानकारी दे दें कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, पीएमओ ने सीधे बुलाया। देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जड़ गवर्नर हाउस है। राजभवन में जिस तरीके से कॉपी खरीद का आदेश वहां के एक आदमी के द्वारा दिया जा रहा है, और कुलपति प्रतिकुलपति रजिस्ट्रार की नियुक्ति में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल के बेटे का डायरेक्ट हस्तक्षेप है, वो कहीं ना कहीं से बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि अविलंब उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि क्यों बिहार के महामहिम राज्यपाल का बेटा सूबे में आता है और आकर के शिक्षा के मामले में हस्तक्षेप करता है, क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को पनाह दिलवा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को मदद पहुंचा रहे हैं। उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि कैसे कैसे बिहार में यह घटनाएं घट रही हैं। फागू चौहान ने दो फैसले इन दिनों लिए हैं जो विवादित हैं। एक फैसले जो राजेंद्र प्रसाद मगध यूनिवर्सिटी के वीसी, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया है और इनको लंबी छुट्टी पर भेजने की अनुमति दे दी गई, पहला। दूसरा, जिन पर आरोप है घोटाले का, एसपी सिंह पर, सुरेंद्र प्रताप सिंह पर, इन्हें जो है बेस्ट वीसी का अवार्ड दे दिया गया है। अभी दानिश रिजवान का आपने भी बाइट सुना, इसमें यह कहा गया है कि इनके बेटे डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं राजभवन के फैसलों में, यूनिवर्सिटी में वीसी कौन होगा तय करने में उन पर आरोप लगता है। आखिर हमारे जो चांसलर साहब हैं, राज्यपाल साहब हैं, इतने कमज़ोर हैं। अगर देखा भी जाए तो आप एक यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर तय करते हैं, कुछ करते हैं, तो कितनी परीक्षाओं से गुजारते हैं आप, ये मैट्रिक पास हैं, बेटे दखलंदाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल का पद जो है एक संवैधानिक पद है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, और इतने बड़े पद पे आप
किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा देते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। कम से कम राज्यपाल के पद पे तो बैठाना चाहिए, जो एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड है उन लोगों को बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है। और जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल सही कहा होगा, क्योंकि ये सब होता है कि जब वो खुद नहीं योग्य हैं तो उनका बेटा उनके जगह पे माफियागिरी कर रहा होगा और वीसी की नियुक्ति में पैसा ले रहा होगा। हम तो पहले ही बोले कि वीसी की नियुक्ति होती है पैसा लेके, बगैर पैसा की नियुक्ति नहीं हो रही है। आपको योग्यता से कोई मतलब नहीं है, पैसा चाहिए उस पर नियुक्ति होती है और फिर पैसा पहुंचाना भी पड़ता है बाद में। ऐसा नहीं कि अगर नहीं पहुंचाइएगा तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। आपको पटना यूनिवर्सिटी की बात मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, प्रधानमंत्री जी आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय कितना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या कभी इस पर कोई किसी ने नजर दिया, किसी का ध्यान गया पटना यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है? एक प्रधानमंत्री का स्टेज बनाने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया। आप जाके देखिए तो वहां पे कौन सा स्टेज बना हुआ है, ईंटा से घेर दिया गया, दिखा दिया गया उस पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ स्टेज के नाम पे, और बाहर से लगा दिया गया, कपड़ा से ढक दिया गया। आज जाके देखिए उस स्टेज का क्या हाल है, बना ही नहीं स्टेज, सिर्फ बिल बना दिया गया करोड़ों रुपया का कि स्टेज प्रधानमंत्री के लिए बना है, तो उस पे तो किसी का नजर नहीं गया। लेकिन आज जो वीसी पे जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। नीतीश जी इतने ईमानदार हो गए क्या कि आज वीसी पे छापा मार रहा है और एक से एक वीसी पकड़ा रहे हैं? और जहां हम लोग सबूत दे रहे हैं दरोगा बहाली में धांधली का, वहां एक बार सुनीत कुमार के आवास पे छापा मार के दिखाइए, बीपीएसएससी के ऑफिस पे छापा मार के दिखाइए, तो वहां तो आप नहीं मार रहे हैं, लेकिन यहां क्यों? ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। बिल्कुल इसी सवाल पे मैं आना चाहता था कि ये राजनीतिक रंजिश की लड़ाई शुरू हो गई। आप देखे होंगे कि हाल में कैबिनेट में फैसला पास हुआ कि नीतीश कुमार खुद चांसलर बनना चाहते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग खेल यूनिवर्सिटी के, जी जी ये बनना चाहते हैं, और ये बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनकम्पिटेंट हैं। फागु चौहान एक तो मैट्रिक पास है, दूसरी बात यूनिवर्सिटी के तमाम स्कैम को ये खुल करके कहते हैं जाइए आप रेड मारिए, रेड मारियर उनको उजागर कीजिए ताकि इस इन पर आरोप लगे कि ये जो फैसले ले रहे हैं बहुत गलत फैसले ले रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या बिहार में जो 31 यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है, 31 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट डीम्ड सेंट्रल जो भी मिला दें, सरकारी जो बिहार सरकार का भी जो भी है सबको अगर मिला दिया जाए तो 31 है जिसमें से 10 तो कागज पे चल रहे हैं, फिर भी इस 20-22 यूनिवर्सिटी के लिए आपको वीसी प्रो वीसी मिलते नहीं है कि आप एक एक वीसी को तीन तीन यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ज्यादा पैसा पहुंचता होगा उससे ना, वही बात हुआ, तीन तीन जगह का दे दिया गया उसको कि ज्यादा पैसा वो पहुंचाएगा, आप करीबी होगा बहुत क्लोज होगा, कुछ ज्यादा पैसा देके उनका सेटिंग हुआ होगा, और यही बात है इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो आखिर कमी तो नहीं ना है, आप एक एक वीसी से माने एक यूनिवर्सिटी नहीं संभाल रहा है, सेशन तीन तीन साल चार चार साल लेट चल रहा है, आप तीन तीन जगह का वीसी उसको कैसे बना दिए भाई, जब एक यूनिवर्सिटी नहीं संभाल रहा तीन यूनिवर्सिटी का कैसे बना दिया? यही पढ़ाई से मतलब नहीं है, सेशन लेट हो कुछ भी हो बस पैसा उसको वसूल करना है, चाहे वो पीएचडी का डिग्री देने में आप लीजिए पैसा वसूलिए उससे, या अन्य तरीका है किताब खरीदने में, या कुछ भी हो रूम दिखा के कि भाड़ा दे रहे हैं ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं करके, माने हर तरह से कहीं फूल लगाने का बिल बना देगा, कितना पौधा लगाए फूल लगाए बहुत सारा होता है उसमें, आप आराम से कर सकते हैं बिल बना सकते हैं। के वीसी का तो कपड़ा सूट बूट सब ले उठा के ले गई एसबीयू की टीम, बेल्ट 5000 का सूट 40000 का वो पहनते थे, पैसा इतना बनाते थे, 46 गार्ड की जगह 86 गार्ड का बिल करवाते थे। अभी इसी से आपने अभी किताब की जो जिक्र करी है मैं उसमें जरा जोड़ दूं बातों को कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान, 5 करोड़ की किताब की खरीदारी हुई, अलमीरा की खरीदारी हुई, रखेंगे कहाँ? यूनिवर्सिटी जब तक फंक्शन नहीं करना शुरू कर दे, अपना भवन नहीं हो जाए, सब कुछ ठीक नहीं हो जाए, तो आपने तो कुछ किया नहीं। आप AKU के भी वीसी हैं, आप वहाँ भी वीसी हैं, और आपने क्या किया कि अपने इस वीसी में इस कोठी का धन उस कोठी में रखने के लिए आपने एक फ्लोर ले लिया, उसका किराया 50 लाख रुपए आपने कागज पर दिखा दिए, जबकि UGC की डायरेक्ट गाइडलाइन है कि आपकी लाइब्रेरी तभी मानी जाएगी जब अप टू डेट किताब डायरेक्ट पब्लिशर से आप खरीदेंगे एडिशन। आप ये 2-3 साल 4 साल पहले किताब खरीद चुके हैं आप, मतलब ये काफ़ी साल तक ऐसे पड़ी रही किताबें, जब किताबें खराब होने लगी हैं तो दिखाने के लिए AKU में एक भवन ले लिया गया, एक फ्लोर ले लिया गया, उसका किराया 50 लाख रुपए भरा जा रहा है साल का, ये क्या मतलब बनता है, ये कौन सा स्कीम है? आखिर सुरेंद्र प्रताप सिंह इतने काबिल हैं कि बेस्ट वीसी कहला रहे हैं, इसी कारनामे के चलते क्या कहेंगे आप? पैसा पहुंचता होगा ना ऊपर तक, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पैसा पहुंचाया जाता होगा, और ये किताब खरीदने का तो मुझे नहीं लगता है कि जितना का बिल बना उतना का किताब खरीदाया होगा, घोटाला ही हुआ है। और दूसरी तरफ की आप बता रहे हैं कि रूम का किराया देखिए कि हम किराया दे रहे हैं 5 लाख रुपया महीना, तो वो अलग कमाई हो गया। तो हर तरह से मतलब लूट खसूट किया जा रहा है, यही वजह है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और अभी जो ये चल रहा है ये छापामारी क्यों हो रही है? ऐसा नहीं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए छापामारी हो रही है, वीसी को पकड़ा जा रहा है, ये पैसा सिर्फ राज्यपाल तक पहुंचता होगा
या राज्यपाल के जो बेटा का नाम ले रहे हैं उन तक पहुंचता होगा, ये नीतीश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नीतीश सरकार के करीबी नेता है उन तक नहीं पहुंच रहा होगा, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अगर उस तक पहुंच जाता तो ये छापामारी नहीं होती। आखिर पटना यूनिवर्सिटी में जब शताब्दी वर्ष समारोह हुआ तो उस पर कहे ना किसी का ध्यान गया, जहाँ करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ उस पर भी तो कभी जाँच कराइए। दरोगा बहाली में इतना धांधली हुआ, हम लोग सबूत दे रहे, कहे ना एक बार उस पर छापा मार रहे सुनीत कुमार पे, क्योंकि सुनीत कुमार को बनाया किसने है, तो नीतीश जी के करीबी नेता ने बनाया उसको। नीतीश जी एक्सटेंशन देते हैं उनको, जब सीबीआई जांच की मांग हो रही है, सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस व्यक्ति को हटाने की मांग की जा रही है, और नीतीश कुमार जी पिछले साल मार्च में क्या किया, 3 साल का एक्सटेंशन उन लोग को दे दिए। आप सोचिए, तो कहां आप करप्शन के खिलाफ नीतीश जी लड़ रहे हैं, आप तो दिखा रहे हैं सिर्फ, और ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। और दूसरी बात कि पैसा इन लोगों तक नहीं पहुंचा रहे थे ये लोग, इस वजह से ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग जो भी वीसी है ईमानदार है, ये लोग करप्ट तो हैं ही, लेकिन करप्शन में भी थोड़ा ईमानदारी दिखाइए भाई। नीतीश जी के जो करीबी लोग हैं उन तक भी आपको पैसा पहुंचाना चाहिए था, आप सीधा राज्यपाल जी के पास पैसा पहुंचा रहे हैं, तो ये तो गलत कर दिया ना। बेईमानी में भी थोड़ा ईमानदारी रखना चाहिए, लेकिन ये लोग वो कर दिए कि एक तरफा इधर कम से कम आरसीपी सिंह को भी पैसा पहुंचा देते और लोगों को पहुंचा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसी में हमें याद आता है कि जब सतपाल मलिक यहाँ पर थे राज्यपाल, तो उनका एक्शन बिहार में याद किया गया, उन्होंने कैसे बीएड कॉलेज में कुकुरमुत्ता की तरह कॉलेज उगाए थे, उन लोगों को कहा था मुझे पता है कि कई नेताओं लोग हैं जो शिक्षा माफिया बने बैठे हैं, मैं कान खोल करके सब लोग सुन लीजिए, मैं कहता हूँ मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं इस कुकुरमुत्ते को साफ करके जाऊंगा। उन्होंने फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड का शुरू करवा दिया, उन्होंने बाद में कहा आईटीआई को मैं भी ठीक करूंगा, और शायद नीतीश सरकार के माथहत को ये चीज पसंद नहीं आया और बाद में ऐसे फैसले हुए कि उनको उठा करके भेज दिया गया। तो वैसे कड़क राज्यपाल के सामने शायद नीतीश कुमार की नहीं चल रही थी, और ये जब कमजोर राज्यपाल मैं कहता हूँ इन्हें कि जब इन पर इतने आरोप लग रहे हैं और जब इन्हें दिल्ली तलब किया जा रहा है, पीएमओ बुलाया जा रहा है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस हिसाब से बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक वर्चस्व की ही लड़ाई पूरी तरह से दिखाई पड़ती है। बिल्कुल पूरी तरह से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है ये, और हो ना हो कहीं ये गठबंधन का खेल भी खेला जा रहा है, अंदर अंदर एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही होगी, एक कहानी गढ़ी जा रही होगी। आखिर कुछ तो वजह चाहिए ना अलग होने का, हो सकता है कुछ ना कुछ इन लोगों का अंदर से प्लानिंग होगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ मौका चाहिए कि आपस में विवाद हो। कि और अभी जैसे मुझे लग रहा है कि जदयू और बीजेपी खुद चाह रहे हैं कि हम नहीं दिखाए जनता को, वो हमसे अलग हो जाए, नीतीश जी भी चाह रहे हैं कि हम अलग न हो, जनता को न दिखाए, बीजेपी अलग हो जाए खुद, ताकि जनता को ये लगे कि बीजेपी ने जदयू का साथ छोड़ा, और बीजेपी यही चाह रही है कि जदयू खुद अलग हो जाए ताकि जनता को ये ना लगे कि हम साथ छोड़ रहे हैं। इसी से एक सवाल निकल रहा है कि 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम आज चल रहा है नीतीश सरकार के, 15 साल, एक साल मांझी जी का छोड़ दिया गया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया, लेकिन इसमें आप देखिए जरा कि जब ये मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, गठबंधन की सरकार है एनडीए माना जाए, कहा गया था 1 साल के भीतर हम 3 लाख शिक्षकों की भर्ती कर देंगे। क्या कारण है कि 1 साल बीत गए, बार बार काउंसलिंग कैंसिल और फिर नया डेट, फिर इंतजार, फिर प्रदर्शन, लाठी डंडे, ये गेम नहीं है तो क्या है, क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप दिया गया था जनता को, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़े लोग ज्यादा हैं तो उनका वोट बैंक चाहिए था, इसलिए ये लॉलीपॉप दिया गया। और अभी भी 3.5 से 4 लाख सीट बिहार में शिक्षकों की खाली है, स्कूल के शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहाली नहीं हो रही है, बहाली के नाम पे दलाली हो रही है, और यहाँ के लोग भी, युवा भी जल्द भूल जाते हैं। ये प्रक्रिया 2006-07 से जब शुरू हुई, 6 में नियमावली आई, 7 से शुरू हुई नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो नियमावली बनाई, ये नियमावली ही, चपरासी की नियुक्ति भी इस तरह से नहीं होती, एकदम घटिया है, एकदम जितना इसके लिए बोल सकते हैं उतना निम्न स्तर का है। और तभी से लेकर अभी तक देखिए बहाली की क्या प्रक्रिया रही है, ये बहाली होती नहीं है बल्कि दिखाया जाता है कि हम बिहार में शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, 10 बार डेट निकाला जाएगा बहाली के लिए, फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर जब नजदीक आएगा तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा, कभी बाढ़ का तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो कभी ये है तो वो है, कभी चुनाव है। सबको पहले से पता रहता है कि जुलाई अगस्त में बाढ़ आती है बिहार, सबको पहले से पता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव कब होगा, तो फिर उसमें बहानाबाजी क्यों? पहले से पता था कि पंचायत चुनाव होगा, उस समय आपने भी चलाया था ये चीज, बिल्कुल जुलाई में जब कहा गया था कि शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं, हम लोग बहाली करेंगे, आपने भी चलाया था, हम भी उस समय थे, कि आपने पूछा था कि क्या चुनाव से बाधित होगी, जो बोला हमने कहा था बिल्कुल बाधित होगी, ये बहाना उस समय बनाएंगे कि अभी चुनाव में इनको ये करना था, उपचुनाव था, तो दिखा दिए कि हम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, और जब खत्म हो जाएगा तो ये कहेंगे कि चुनाव के चलते हम बहाली नहीं कर रहे हैं, आचार संहिता है, तो आचार संहिता इसमें कहां से आता है? इसमें तो कोई आचार संहिता नहीं आएगी, तो पंचायत चुनाव है, दलीय आधार पे तो ये हो नहीं रही है। अगर पार्टी बेसिस चुनाव होता
पंचायत चुनाव, तब आप आचार संहिता की बात करते, लेकिन ये तो निर्दलीय अपना अलग हो रहा है, बिल्कुल हाँ, पार्टी से मतलब सरकार से मतलब नहीं है, तो इसमें आचार संहिता कहाँ से आती है? तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है सीधा सीधा। तो फिर शिक्षा मंत्री ने क्यों कहा उस समय कि इसमें आचार संहिता से मतलब नहीं रहेगा, हम लोग बहाली करेंगे? तो शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री होकर एक पद पे बैठे वो झूठ बोल रहे हैं इस तरह से, या तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बेवकूफ लोगों को शिक्षा मंत्री क्यों बना दिए भाई, जब नॉलेज नहीं है उनको संविधान का, कानून का? तो टॉप टू बॉटम अगर देखें, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो ऑपरेट होती है, वो जो है अपने मन से चल नहीं रही है, उसे चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री पर जैसे कि आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी तरह अब राज्यपाल पर सवाल खड़े हो गए हैं। हायर एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम नीचे की शिक्षा पे आ जाते हैं, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा दीमक लगा हुआ है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, तो दुरुस्त कैसे होगा? फिर बहाली प्रक्रिया तो उसके बाद की चीज़ है, जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद बहाली प्रक्रिया आती है, वहाँ भी जा करके आप उसी तरह से उस सरांध में फंसे पड़े हैं। इन सब से निकलने का कोई रास्ता आपको दूर तक दिखाई पड़ता है क्या? ऐसे ऐसे अगर प्रोफेसर ऐसे वीसी रहेंगे तो क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था को ऊंचा होने देंगे? वाकई में जो उच्च शिक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि जो बहाली प्रक्रिया है यहाँ शिक्षकों की, अगर कोई मकान आप बनाते हैं और उसकी नींव यानी कि जो शुरुआत होती है वही अगर कमजोर हो गया, तो ऊपर आप कंक्रीट से बना दीजिए, किसी से बना दीजिए, तो क्या फायदा? नीचे ही जब कमजोर हो गिर जाएगा। तो बिहार की स्कूली शिक्षा ही जब नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया, तो फिर आगे क्या होगा? मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए फिर हायर एजुकेशन के लिए तो आना पड़ेगा ना सरकारी यूनिवर्सिटी में ही, तो वहाँ भी स्थिति खराब है। कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए बिहार में जहाँ शिक्षकों को जितने पद चाहिए उतने माने भरे पड़े हैं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे ये लोग, बिहार के हमको तो क्या बोले बोलने निर्लज नेता हम कहते हैं, निर्लज नेता को कि पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे, सिर्फ बयानों में बोलेंगे चुनाव के समय में और स्टूडेंट का वोट लेने के लिए, लेकिन अभी जब सरकार में तो एक बार मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है इन नेताओं को कि मोदी जी से कहे कि हमको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए। और किस आधार पे आपको दर्जा दिया जाएगा जी पटना यूनिवर्सिटी का? आप अपनी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार पे थोपना चाहते हैं। आपसे तो एक शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है कि पटना यूनिवर्सिटी में जितना सीट खाली है शिक्षकों की प्रोफेसरों की उसको आप पूरा कर दीजिए, बहाल कर दीजिए, और आप कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। पहले उस लायक बनिए आप एकदम जो है निकम्मा है, उस लायक है ये नहीं, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे मिल जाएगा जी? तो वोट बैंक के लिए खाली आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, खाली वोट जब चुनाव आएगा तब ये सब बात बोलेगा, जब सरकार में है तब मलाई खा रहे हैं, अभी आवाज़ नहीं निकल रहा है किसी का। जब प्रधानमंत्री आए थे तो सब मीडियाबाजी 10 दिन से कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी को ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, और एक बार यूनिवर्सिटी जाके तो देख लीजिए कि बिल्डिंग का क्या हालत है, शिक्षकों की क्या हालत है, शिक्षक वहाँ है नहीं, पढ़ाएंगे कौन? छात्र जाके भी क्या करेंगे? छात्र जाते हैं, शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले, वापस हो जाते हैं, अगले दिन से छात्र नहीं जाएंगे, क्या करने जाएंगे समय बर्बाद करने के लिए? यूनिवर्सिटी करप्शन जो अभी खुल करके सामने आ गई है, कई वीसी फंस रहे हैं, तो क्या अब फिर से जरूरत है कि छात्र नेता दिलीप जैसा ही कोई और युवा भी खड़ा हो जो एजुकेशन सिस्टम के दिमाग को दूर करने की कोशिश करे, या दिलीप को ही वहीं जाना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल जरूरत तो है, हर किसी को आवाज़ उठाने की जरूरत है। आज मुझे क्यों करना पड़ रहा? क्योंकि कोई नेता बिहार का नहीं उठा रहा, इसलिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मेरा शौक नहीं था राजनीति, मेरे परिवार का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, अभी भी मैं राजनीति तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, छात्र के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गया हूँ जो राजनीति कर रहा हूँ। तो ये जरूरत थी बिहार के नेताओं को आवाज उठाने की, लेकिन कोई नेता नहीं उठा रहा तो मजबूरी में हमको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पटना आए, अभी भी बीपीएससी 67वीं का हम परीक्षा देने वाले हैं, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में हमको ये सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो निर्लज नेता लोग है वो आवाज़ नहीं उठाता है, इसलिए हमको आना पड़ता है, हमको मजबूरी में ये शब्द भी बोलना पड़ रहा है, हम क्या करें, मजबूर हैं। अभी आप देखिए कि कितना अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा है जी? सिर्फ जाति और धर्म का बात करता है ये लोग, जब चुनाव आएगा तो युवा 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 करेगा, और चुनाव खत्म तो कोई युवा की बात नहीं कर रहा है। 7.5 साल हो गया बीएसएससी का वैकेंसी पूरा नहीं है, कोई नेता है जो सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहा है? कोई नेता सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं कर रहा है, मैं मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं कर रहा, अपने कहाँ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती बुलाया तो जाकर के चेहरा दिखा करके लोग लौट आए, लेकिन सड़क पे उतर के अपने कार्यकर्ता के साथ तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं निर्लज बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब सिर्फ युवाओं का ये जो है शोषण कर रहे हैं, वोट बैंक चाहिए। और जो लोग अभी 30 साल से जो सत्ता में है, छात्र आंदोलन की उपज अपने आप को जेपी आंदोलन की उपज बताते हैं, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी, 30 साल से इन्हीं दोनों का सरकार है, लेकिन यही लोग छात्रों के मुद्दे को तरजीह नहीं दे रहे हैं, छात्रों के मुद्दे को नहीं चाहते कि आगे बढ़े, और धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाएगा आपको, पुलिस का बल दिखाया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, तो यही नीतीश कुमार जी हैं।
तो ताकत के नशे में करप्शन करेंगे बेसिकली, यही एक देखा जाए इस चीज को, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, बहाली सिस्टम की बात कर ले, ताकत के नशे में भ्रष्टाचार का गुल खिलाना। एक चीज और मैं बताना भूल गया, आप जब यूनिवर्सिटी के करप्शन की बात कर रहे हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, और वहाँ यूनिवर्सिटी में कितना धांधली होता है एडमिशन में, वहाँ जाके पता कीजिए। अगर किसी को सबूत चाहे तो अभी भी मैं दे सकता हूँ, वाणिज्य महाविद्यालय पटना कॉलेज के पीछे है, उसमें कितना बड़े पैमाने पे एडमिशन में धांधली होती है, 5,000-10,000 लेके जो मेरिट में रहता है उसको हटा दिया जाता है और पैसा लेके दूसरे का एडमिशन होता है। 2019 में जाके देखिए आप, अभी भी डाटा निकालिए, पता चल जाएगा कि वहाँ के प्रिंसिपल ने कितना घोटाला किया है एडमिशन में। मैं उसका गवाह हूँ, जहाँ भी बुलाया जाएगा गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास डाटा है कि पैसा लेके उन लोगों ने एडमिशन किया, अभी भी कर रहे हैं वो लोग, उस समय जो भी प्रिंसिपल रहे हो वाणिज्य महाविद्यालय के। और ये ऐसा हर कॉलेज में हो रहा है। तो आखिर आप बताइए, पार्ट वन में एडमिशन के लिए बिहार के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप एक साथ करवा रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी को अलग क्यों कर दिए भाई? पटना यूनिवर्सिटी क्या ऊपर से धधक के आया है, दूसरा गोला पे प्राणी है? पटना यूनिवर्सिटी अलग क्यों? तो यही कि क्योंकि बिहार के हर जिला के लोग का मन होता है कि हम अपने बेटा बेटी को पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। आखिर मिथिला यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है वो छात्र नहीं है, मगध यूनिवर्सिटी वाला छात्र नहीं है, और पटना यूनिवर्सिटी में जिसका एडमिशन हो जाएगा या हो गया उसके शरीर में चांदी या सोना लग गया, हीरा जवाहरात लग गया क्या? तो ऐसा क्यों भाई? पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पे खेल होता है, पार्ट वन का बात मैं कर रहा हूँ, पार्ट वन में एडमिशन के नाम पे खेल हो रहा है और इसमें जो है पैसा की उगाही हो रही है। क्यों ना पटना यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन उसी तरह हो जिस तरह से अदर यूनिवर्सिटी का होता है, सबका साथ लीजिए। बिल्कुल, पटना यूनिवर्सिटी का क्या अलग चीज है? कुछ मुझे तो कुछ नहीं अलग लग रहा है। पटना यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा बिल्डिंग मिथिला यूनिवर्सिटी का है, जाके देख लीजिए। बिल्कुल सही बात, मिथिला यूनिवर्सिटी का ज्यादा अच्छा है और पटना यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा पढ़ाई भी अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में हो रहा है। सेशन भी टाइम से चल रहा है, सेशन भी अब टाइम से हो गया है। तो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और ये जो पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट है ना बुजुर्ग नेता लोग, ये लोग बस अपना ये दिखावा कर रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो बस इस यूनिवर्सिटी का नाम घोषणा क्रिएट करना है। पटना यूनिवर्सिटी में कितना स्टूडेंट की पढ़ाई होती है, संख्या देखिए, संख्या 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, एक सेशन में 10,000 से ज्यादा तो नहीं, 10,000 भी नहीं होगा। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी में देखिए तो कहाँ ज्यादा भीड़ है, कहाँ स्टूडेंट ज्यादा है। तो आप उसकी बात नहीं करके और पटना यूनिवर्सिटी को लेकर सिर्फ आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, और उसका भी आप कायाकल्प कहाँ कर रहे हैं? जो पटना यूनिवर्सिटी का प्राचीन इतिहास रहा है उसको आप कहाँ लौटा रहे हैं? उसको तो बर्बाद कर दिया आप, सिर्फ बिल्डिंग बच गया है। अब बिल्डिंग भी नहीं, जाके देखिए बिल्डिंग भी गिर रहा है, प्रोफेसर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ आएंगे कोई समारोह में पटना यूनिवर्सिटी में, फीता काटेंगे और बोल देंगे पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास ऐसा रहा, हम भी यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, आज हम ये है वो है। अरे आप पढ़े थे उस समय, टीचर थे पढ़ाने वाले, लेकिन अब टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, इस पे ना बोलिए, उसकी बहाली आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब उसी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो उस यूनिवर्सिटी का कायाकल्प कीजिए, ताकि अभी जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उनको उनका भला हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, आगे जो छात्र आएंगे उनको अच्छी शिक्षा मिले। ये क्या हुआ कि हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे इसलिए इस यूनिवर्सिटी को एकदम खत्म कर रहे हैं? जिनको यूनिवर्सिटी के ऊपर बैठाया गया है वो तो लुटेरे हैं, लुटेरे कहाँ से होगा? तो कुल मिलाकर के अभी आप चर्चा सुन रहे थे कि यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी धांधलियां चल रही हैं और सरकार चुपचाप देख रही है, और शायद इस वक्त उजागर इसलिए होने दी जा रही है क्योंकि छात्र नेता दिलीप भी कहते हैं कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, राजनीतिक वर्चस्व की जंग है, जिसके चलते आज यूनिवर्सिटी में वीसी एक्सपोज हो रहे हैं, राज्यपाल तक पर सवाल खड़े हो गए। देखना यह होगा कि तीन तीन यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट वीसी, बेस्ट वीसी का अवार्ड पाने वाले एसपी सिंह पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्या राज्यपाल ही बदले जाएंगे क्या? इंतजार रहेगा, इस खबर के बाद कुछ एक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।